नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डेली ड्राइव चैनल पर। ड्राइविंग सीखना इतना मुश्किल भी नहीं जितना लोगों को लगता है, पर ड्राइविंग करते समय आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि एक ड्राइवर को अंदाजा होना चाहिए कि सामने चलने वाली कार के और आपके कार के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको आपके कार का बोनट का जजमेंट आपको कैसे करना है वही मैं बताने वाला हूँ। तो बिना कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नॉर्मली क्या होता है, हम जब ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं तो सामने वाली कार के और आपके कार के बीच में डिस्टेंस बहुत कम रखना पड़ता है, बम्पर टू बम्पर चलाते हैं इसलिए। तो अगर इसमें कोई बिगनर्स हो तो उनको बोनट का जजमेंट लेना काफी डिफिकल्ट होता है। तो आज मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे अगर कोई बिगनर्स हो तो वो ट्रिक यूज करके इजिली बोनट का जजमेंट लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने एक कार खड़ी है, उसके पीछे कम से कम मैंने 7-8 मीटर दूर गाड़ी खड़ी की है, जिससे मैं आपको बता सकूं कि आपको कितने नजदीक जाकर आपको ब्रेक मारना है। तो जैसे कि आप देखते हैं, पहले तो आपका जो सीट पोजीशन है वो सही कीजिए, फिर बाद में धीरे 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 उसको उसके नजदीक जाइए। जैसे आप नजदीक जाएंगे, पहले तो उसके टायर दिखना बंद हो जाएंगे। जैसे टायर दिखना बंद हो गए, आप कॉन्फिडेंस के साथ में गाड़ी रोक लीजिए, फिर बाद में गाड़ी के बाहर जाकर एक बार चेक कीजिए कि गाड़ी आपके कार के और सामने वाली कार के बीच में कितना डिस्टेंस है। गाड़ी से बाहर उतरने के बाद आपको सामने वाली कार के और आपके कार के बीच में कितना डिस्टेंस है आप चेक कीजिए। अभी मैंने नाना बोल के 1 मीटर का डिस्टेंस रखा है, फिर भी आप चाहे तो अगर आप पूरा ड्राइव कर लेना सीख लेते हैं तो आप और थोड़ा नज़दीक जा सकते हैं। आपको अगर आपका बोनट का जजमेंट कम्प्लीटली मिल जाए तो फिर बाद में आपको क्या करना है, फिर से मैं फिर अपनी कार में आ चुका हूँ। मैं फिर से पीछे ले लेता हूँ रिवर्स कर। फिर से वही करना है आपको। आप देख सकते हैं जैसे उसके टायर दिखना बंद हो गए, मैंने अपनी गाड़ी रोक ली। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको इजीली आपका बोनट का अंदाज आपको मिल जाएगा, जजमेंट मिल जाएगा, जिससे आप ट्रैफिक में भी आप इजीली बम्पर टू बम्पर गाड़ी चला सकते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। चलो बाय।